हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इससे पहले हम दो लेक्चर पढ़ा चुके हैं आपको, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसिड्स बताया था, दूसरे लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स बताया था। अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके आप पीछे के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, और वो अटेंड करके आएंगे या तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल आज जो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड पढ़ाने वाले हैं, इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। सबसे पहले बात आई आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। पहले तो ये समझ लो कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेटा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है फिज़िकली उसे देखने में, स्मेल करने में, उसका साइज़, शेप, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऊपर से ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें हम कहते हैं फिज़िकल अपीयरेंस से जो चीज़ें हमें पता चलती हैं उसे हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, कि उसका टेस्ट क्या है, ऑर्डर क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ते हैं, अगर उन एसिड्स को किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस से रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि भैया इस एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि इसे ऐसे मेटल से रिएक्ट कराओ तो ये बनेगा, इससे रिएक्ट कराओ तो ये बनेगा, तो ये होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। दोनों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले बात आई आपकी किसकी, आपके टेस्ट कैसा होता है एसिड्स का। पहले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दे आर सार इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। जितने भी आपके जूसी फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसमें एसिड्स होते हैं, कई चीज़ों में होते हैं, खट्टे होते हैं। तो एसिड्स हैव सार टेस्ट, लेकिन टेस्ट तो उसका सार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी एसिड लाओ और उसे टेस्ट करने लग जाओ, ज़रा देखें ये खट्टा है कि नहीं है। अरे प्यारे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक जैसे एसिड्स हैं, इन्हें टेस्ट मत कर लेना, टेस्ट करके टेस्ट मत करना, आपका टेस्ट हो जाएगा। क्या भैया, ये हाईली करोसिव इन नेचर होते हैं और इसलिए इन्हें कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप स्किन से टच कराएंगे, जीभ तो बहुत दूर की बात है, स्किन करोड़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जल जाएगा, जीभ जल जाएगी, इसलिए कभी मत करना ऐसा। फिलहाल हाँ, कुछ माइल्ड एसिड्स होते हैं जो खाने पीने में इस्तेमाल होते हैं, वो आपको पता है कि टेस्ट करने में खट्टे होते हैं, जैसे विनेगर चाउमीन वगैरह में डालते हैं, खट्टा होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, फिजिकल स्टेट की बात करें प्यारे, स्टेट क्या होती है, आपको क्या लगता है एसिड किस स्टेट में होते होंगे? शायद आपको आज तक लग रहा था कि एसिड जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, ऐसा। बच्चे असली बात सुन लो, कई एसिड सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, कई लिक्विड में भी होते हैं। कैसे, कई वॉलेटाइल एसिड्स होते हैं, कई नॉन वॉलेटाइल एसिड्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक, सीट्रिक और फॉस्फोरिक एसिड, जिनके ये फॉर्मूले लिखे हैं, ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। बच्चे एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेम टू एसिड्स विच आर सॉलिड इन सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट, तो ये आपको याद करना है। बोरिक एसिड आई वॉश के लिए यूज़ होता है, सॉलिड स्टेट में होता है ये, वो पानी में मिला दें तो एक्वस बन जाएगा, वो एक बात अलग है कि इनको पानी में मिला के एक्वस बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली दे आर इन सॉलिड स्टेट। ऐसे ही ये जितने एसिड्स हैं ये वॉलेटाइल होते हैं, सिर्फ एक एसिड है जो नॉन वॉलेटाइल होता है। बोले सर, ये वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है प्यारे? जैसे परफ्यूम होता है, पेट्रोल होता है, अगर आप उसे क्या खुला छोड़ देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि खुला छोड़ने पर वो उड़ जाएगा। तो प्यारे, ऐसी कोई भी चीज़ जो खुला रखने पे आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस। इवेपोरेट, वेपर बन जाए तो वोलेटाइल, और आसानी से वेपर ना बने तो वो नॉन वोलेटाइल। तो सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल होता है, इसे खुला छोड़ दो, ये आसानी से नहीं उड़ता। बाकी ये सारे एसिड्स, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड किस में होता है? कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, ठीक है ना। ये एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में होता है। फॉर्मिक एसिड किस में होता है?
स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में बनता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड मिनरल एसिड्स में बनाए जाते हैं। ये सारे के सारे वॉलेटाइल हैं। वॉलेटाइल एसिड्स वेपराइज इजीली, नोट कर लो, एट रूम टेम्परेचर और हीटिंग एट 100 डिग्री, या तो रूम टेम्परेचर पे रखो तो ही उड़ जाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी उड़ जाते हैं, जबकि ये नॉन वॉलेटाइल एसिड है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात आई, इफेक्ट ऑन स्किन। भैया स्किन भैया करोसिव, कुछ एसिड्स करोसिव है तो स्किन पे भी इनका इफेक्ट जो है वो करोसिव एक्शन होता है। जैसे अगर ऑल स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स की बात करें, वो सारे के सारे करोसिव होते हैं स्किन पे एंड कॉसेस प्लेन पेनफुल ब्लिस्टर्स, फफोले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं अगर एसिड पड़ जाए, है ना। जैसे अगर स्किन पे सल्फ्यूरिक एसिड पड़ गया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो स्किन जो है ब्लैक पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। क्यों काली पड़ जाती है? सल्फ्यूरिक एसिड का एक चैप्टर है पूरा का पूरा आखिरी में, उसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बन बन जाती है आपकी बॉडी में, ऐसे वाटर निकल जाता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो स्किन में से एच और ओ निकाल लेता है, कार्बन छोड़ देता है, कार्बन की वजह से काली पड़ जाती है स्किन। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड का अपना एक चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे कि नाइट्रिक एसिड स्किन को येलो कर देता है, येलो कर देता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड काला कर देता है, ऐसे ही नाइट्रिक एसिड स्किन को येलो कर देता है। उसका भी रीजन है, उस चैप्टर में पढ़ेंगे, शॉर्ट में बता दे रहा हूं। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, स्किन में प्रेजेंट प्रोटीन से रिएक्ट करके ज़ेंथ्रोप्रोटिक एसिड बनाता है। नाम सुनो क्या बोला मैंने, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद प्रोटींस प्रेजेंट इन द स्किन टू फॉर्म ज़ेंथ्रोप्रोटिक एसिड। ज़ेंथ्रोप्रोटिक एसिड, XAN इसकी स्पेलिंग होती है, XAN, ज़ेंथ्रोप्रोटिक एसिड। ज़ेंथ्रोप्रोटिक एसिड बनाता है विच इज येल्लो इन कलर, जिसकी वजह से स्किन येल्लो पड़ जाती है। ऐसे ही HCl पड़ जाए तो स्किन एम्बर कलर्ड हो जाती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही थी, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। बोले भैया इंडिकेटर क्या होते हैं? बोले ऐसा कोई भी सब्सटेंस, कंपाउंड सब्सटेंस, जो एसिड या बेस से रिएक्ट करने पर अपना कलर चेंज कर दे और उसका कलर जो चेंज हो जाए उस स्पेसिफिक कलर से, हम ये पहचान पाएं कि हमने इंडिकेटर में जो सब्सटेंस रिएक्ट कराया था वो एसिड था या बेस था, उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ मैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो एसिड या बेस से रिएक्ट करने पर अपना कलर चेंज करके बताता है कि ये सब्सटेंस जो मिलाया था ये एसिड था या बेस था, इसे हम कहते हैं इंडिकेटर्स। जैसे आपको बीकर में मैंने एक में HCl दे दिया, एक में NaOH दे दिया, एक में एसिड है एक में बेस है, अभी देखने में दोनों में ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट लिक्विड होगा, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो क्या पी के देखोगे? बोलोगे सर जो एसिडिक होगा उसका सार खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा वो एसिडिक होगा, जो कड़वा होगा वो बेसिक होगा, तो क्या पी के देखोगे? नहीं ना। तो उसके लिए कैसे टेस्ट करोगे? उसके लिए कुछ सब्सटेंस आते हैं जो दोनों में आप डालेंगे, वो अपना कलर चेंज करेंगे और कलर चेंज के हिसाब से आप बताओगे कि अगर ये कलर हो गया तो वो एसिड होगा और ये कलर हो गया तो वो बेस में मिलाया होगा। वो क्या इंडिकेटर्स हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इंडिकेटर्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स में लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफिलिन। ये वाला पार्ट आप ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट आगे तक केमिस्ट्री में चलता जाएगा। क्या है, तीन पहले बेसिक इंडिकेटर्स पढ़ने हमने, कौन कौन से, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफिलिन, है ना। ये लिटमस एक तरीके की डाई होती है, ये भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं मिथाइल ऑरेंज। लिटमस खुद दो तरीके का होता है, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। ये एक प्लांट से बनाए जाते हैं, बायो में पढ़ते होंगे आप, थैलोफाइटा ग्रुप से एक प्लांट होता है लिचिन, उससे बनाया जाता है। फिलहाल लिटमस दो तरीके का होता है, एक ब्लू और एक रेड लिटमस। अभी होता क्या है कि जो ब्लू लिटमस होता है वो अगर उसमें एसिड डाला जाए तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ध्यान रखिए, अगर ब्लू लिटमस में एसिड डालेंगे तो एसिड उसे ब्लू से रेड कर देगा, जबकि बेस डालेंगे
तो अगर वो रेड है तो रेड से ब्लू हो जाएगा। याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्शन ऑन एन एसिड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, जबकि जो बेस है वो रेड वाले को ब्लू कर देता है। जैसे अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर पे अगर आप एसिड डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा है, और अगर रेड वाले पे बेस डालेंगे तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा। यानी बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर अगर एसिड को ब्लू की बजाय एसिड को रेड पे डाल दें, रेड वाले पे एसिड डाल दें तो क्या होगा, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, नो रिएक्शन, रेड का रेड ही रहेगा। इसलिए एसिड सिर्फ ब्लू का कलर चेंज करके रेड कर देता है, रेड का रेड ही रहेगा, इसलिए नो चेंज। ठीक है, ऐसी बेस को ब्लू पे डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, बेस रेड वाले को ब्लू कर देता है, तो ये आपको याद करना है। बोले सर बड़ा कंफ्यूजिंग है सर, कैसे लाल नीला नीला लाल, कंफ्यूजिंग है। अभी सर याद कर लिया, एसिड ब्लू को रेड कर देता है, लेकिन सर एग्जाम्स में हफ्ते भर बाद, एक महीने बाद, छः महीने बाद भूल ना जाए, सर कुछ ट्रिक बताइए। तो प्यारे, आज मैं एक आपको ऐसे आदमी का नाम बता दे रहा हूँ कि जो जब भी आप भूल जाएं कि एसिड जो है ब्लू को रेड करता है या रेड को ब्लू करता है, सिंपली उस भैया का नाम लेना आप और उसको याद करना उस नाम से, और नाम लेते ही आपको ऐसे याद आ जाएगा कि एसिड रेड को ब्लू करता है या ब्लू को रेड, और बेस क्या करता है। क्या नाम है उन भाई साहब का, उन भाई साहब का नाम जान लो, उन भाई साहब का नाम है अनिल। क्या अनिल, जी हाँ अनिल को याद करना है आपको, अगर भूल गए कि लिटमस किसका कलर चेंज करता है किसमें। कैसे अनिल के नाम से याद आएगा, देखो कितनी बढ़िया ट्रिक है। यहाँ पे आपका इस तरीके से ए है, ए से क्या होता है, ए से होता है एसिड, अच्छा ठीक है। एन आई से क्या होता है, एन आई से होता है नीला, अच्छा। तो एल से क्या होता है, एल से होता है लाल। तो बोले ए जो है एन आई को एल कर देता है, ए यानी एसिड जो है नीले को लाल कर देता है। कितनी आसानी से आप बता सकते हो, अनिल याद रखिए, यानी एसिड नीले को लाल कर देगा, यानी एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, है आसान तरीका। अब भूलोगे कभी, भूलोगे, भूलोगे कि नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर एसिड का याद हो गया तो बेस का याद करने की जरूरत का है, बेस का तो उल्टा होगा ही, अगर एसिड नीले को लाल कर रहा है तो बेस जो है लाल को नीला करेगा, तो इसमें याद करने की जरूरत है ही नहीं। फिर भी एक तरीका इसका ये है, एक वर्ड याद रखो, बी टू बी, क्या बी टू बी, बी टू बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है बेस और बी का मतलब है ब्लू, यानी जो बेस है वो ब्लू बना देता है किसे, रेड को, बी टू बी यानी बेस टर्न्स रेड टू ब्लू, बी टर्न्स बी टू बी का मतलब है बेस ब्लू कर देता है किसको, रेड को। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो, नहीं तो सिर्फ इसको रखो याद, उसका उल्टा वहां लिख दोगे, ठीक है कि नहीं है। अगर तरीका अच्छा लगा तो जल्दी से एक ये कर दो और कमेंट बॉक्स में कुछ टाइप कर दो। फिलहाल बात आई मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज खुद ऑरेंज कलर का होता है तभी उसका नाम मिथाइल ऑरेंज है। तो मिथाइल ऑरेंज में अगर एसिड डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक, ऐसे ही बेस डालेंगे तो वो ऑरेंज टू येल्लो हो जाना है, ऑरेंज टू येल्लो हो जाना। भैया आप कुछ तो याद रख लो, या फिर से बोल रहे हो कि सर इसकी भी तरीका बता दो, अरे चलो एक याद करो अपने आप, हैं सबका तरीका चाहिए आपको। फिलहाल चलो फिनोप्तिलीन, फिनोप्तिलीन क्या करेगी एसिड में, एसिड डालने से रिमेन्स कलरलेस, एसिड डालने से, अरे फिनोप्तिलीन खुद कलरलेस होती है, एसिड डालने से उसका कलर कलरलेस ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि बेस डालने से वो कलरलेस टू पिंक हो जानी है, कलरलेस टू पिंक हो जानी है, ठीक है प्यारे, याद कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा अभी बात आ रही है, ये आपके तीन मेन इंडिकेटर्स हो गए प्यारे, इसके अलावा ना कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स जो केमिकली ना बना के सब्जी वब्जी से हमें मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं, वो भी एसिड या बेस डालने से अपना कलर चेंज करते हैं। कौन से वो इंडिकेटर्स होते हैं देखिए, नेचुरल इंडिकेटर्स
नेचुरल इंडिकेटर्स देखिए क्या है, एक है रेड कैबेज और एक है टर्मरिक। रेड कैबेज यानी लाल गोभी, हाँ गोभी एक लाल वाली भी आती है, उसकी खास बात होती है अगर रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट लें, जूस लें, रेड कलर का होगा, अगर उसमें एसिड डालेंगे तो वो रेड का रेड ही रहेगा, लेकिन अगर बेस डाल देंगे तो वो रेड की जगह ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसे हम एसिड बेस को रेड कैबेज से भी पता लगा सकते हैं उसके एक्सट्रैक्ट से। दूसरा होता है टर्मरिक। टर्मरिक को हिंदी में क्या कहते हैं? टर्मरिक को कहते हैं क्या? हल्दी। हल्दी, हाँ हल्दी होती है, पीले कलर की होती है। आपने कभी देखा है हल्दी कभी सफ़ेद कपड़ों पे लग जाए तो आपको, आपने देखा कभी उसको धो लो साबुन वाबुन से धो लो हल्दी के दाग, तो वो और रेड हो जाती है और ब्राउन पड़ जाती है, रेडिश ब्राउन सी हो जाती है। हल्दी के दाग साबुन से कभी नहीं छुटाना चाहिए, आप करके देखना, सफ़ेद रुमाल पे हल्दी लगाना और उसको साबुन से धोना और रेडिश ब्राउन हो जाएगी। अरे यही तो इंडिकेटर का काम है। क्या होता है, हल्दी एक्ट्स एज अ टर्मरिक, एक्ट्स एज अ इंडिकेटर। एक्चुअली जो साबुन होता है, साबुन में बेस होता है, तो बेस जो है उस हल्दी को येलो से रेडिश ब्राउन या रेड कर देता है, रेडिश ब्राउन कर देता है, जबकि अगर उसी हल्दी पे आप एसिड डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट रिमेन्स येलो। हल्दी बेस से, जो साबुन में बेस होता है उससे पीली सी, पीले से रेडिश ब्राउन हो जाती है, इसलिए दाग और गहरा हो जाता है साबुन से धोने पर, तो ये नोट कर लो। इसके अलावा एक तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, बहुत ही नया नाम है, ध्यान से सुनिए। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? द इंडिकेटर्स, ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं प्यारे, इनका तो कलर चेंज हो रहा है ना, लेकिन ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड या बेस डालने पर अपनी स्मेल चेंज कर दें, उन्हें हम कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। द सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे दो तरीके के ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपको याद करने हैं, एक है आपका वनीला एक्सट्रैक्ट और एक है अनियन एक्सट्रैक्ट। वनीला आपको मालूम है, वनीला की अपनी एक स्मेल होती है, अपनी एक पिक्यूलियर स्मेल होती है। आपके सामने अगर दो आइसक्रीम रखती जाएं, एक स्ट्रॉबेरी एक वनीला, आंखें बंद करके भी सूंघ के पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो कौन सी वनीला है कौन सी स्ट्रॉबेरी है, क्योंकि वनीला और स्ट्रॉबेरी की अपनी अपनी एक पिक्यूलियर स्मेल होती है जिससे आप जानते हो ये वनीला है। तो ऐसी वनीला का एक्सट्रैक्ट लिया आपने, उसकी एक स्मेल होगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी अनियन की भी अपनी एक स्मेल होगी, अनियन की स्मेल होती है, सूंघते पहचान जाते हो ये प्याज की स्मेल आ रही है ना। और अच्छा तीसरा भी इंडिकेटर देख लीजिए ओल्फैक्टरी, तीसरा है क्लोव ऑयल। क्लोव का मतलब लौंग, लौंग का तेल ले लें। ये तीनों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। अगर हम इन तीनों इंडिकेटर्स में अगर बेस डालें तो बेटा बेस डालने से इनकी स्मेल पे कोई फर्क नहीं, वो सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर इन तीनों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे एसिड डालने हैं तो एसिड डालने से इन तीनों की स्मेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस डालने से देयर स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। मतलब जैसे ही वनीला के ऊपर आप बेस डालोगे, वनीला की स्मेल खत्म हो जाएगी, क्लोव ऑयल की स्मेल खत्म हो जाएगी और तीसरा अनियन की भी स्मेल खत्म हो जाएगी। तो देयर स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन बेसिक मीडियम, जबकि एसिडिक मीडियम में जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उनकी स्मेल आती रहेगी। तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नई बात यहाँ पे आपके सामने आई है, ठीक है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स विच चेंजेस देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो बेटा ये तो बात हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, आप पीछे जितना भी मैंने बताया सारी चीज़ें नोट कर लीजिए प्यारे, कॉपी में बहुत ज़रूरी है, जब आप लिख लिख के करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी बच्चा मेरे साथ नोट्स बनाता जा रहा है, चाहे साथ साथ में बना रहा है, चाहे पूरा लेक्चर अटेंड करने के बाद फिर से देख के नोट्स बना रहा है, मैं गारंटी देता हूँ उसके एग्ज़ाम्स की कि 95 से 100% मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। केमिस्ट्री का सिर्फ एक ही फंडा है, समझना तो है ही है, लेकिन समझने के बाद जितना आप लिख लिख के करेंगे उतना दिमाग में बैठेगा, ठीक है। फिलहाल
चलिए, चीज़ें तो हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, लेकिन ज़रूरी होता है कि याद कैसे रहे। सर पढ़ के सब गए थे, कल रात में ही पढ़ के गए थे, सर कल सुबह एग्ज़ाम पेपर में देखा, अरे तो बोलते हो, अरे सर ये तो कल ही पढ़ा था, अरे यार ये तो कल ही पढ़ा था, क्या है इसका आंसर क्या है, अरे अभी कैसे भूल गए। ये सिर्फ इसलिए होता है, जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनके साथ ही ये होता है, और वो बोलते भी यही हैं, अरे कल ही पढ़ा था आज भूल गए। जो पढ़ के जाएंगे उनके साथ ये होगा। पढ़ना नहीं है सिर्फ, पढ़ने के साथ लिखना भी है, और जो लिख के जाएगा उसके दिमाग में खुद जानी है वो चीज़, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कम से कम एग्ज़ाम्स में तो कभी नहीं। फिलहाल नेक्स्ट बात आई फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले बात आई प्यारे एक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एसिड्स जो है मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक लेक्चर पहले पढ़ाया था, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्यारे, एक जनरल लेक्चर है, अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो वो अटेंड करिए। जनरल लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वो अटेंड करने के बाद आगे की काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे चैप्टर्स की चीज़ें आपके लिए ईजी होने वाली हैं, वो ज़रूर अटेंड करिएगा इस लेक्चर के बाद, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में। फिलहाल यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं कि रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स क्या है वो भी देखते हैं, अभी उसमें मैंने समझाया था। जैसे प्यारे मेटल ले लें, जिंक ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, या Mg ले लिया, अगर ऐसे मेटल्स को अगर हम यहाँ पे किसी एसिड से, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराते हैं, चाहे HCl ले लिया, चाहे H2SO4 ले लिया, HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, तो क्या होता है, आपको मालूम है रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो मेटल्स होते हैं ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें ही हम रिएक्टिव मेटल या फिर एक्टिव मेटल्स कहते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है वो उस लेक्चर में समझाया है, इस चैप्टर में मेंशन नहीं है, इसलिए अटेंड करिए। ये क्या करेंगे, जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा, और क्लोरीन के साथ जाके जब लगेगा तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, यानी सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट के साथ ये हाइड्रोजन जब अलग होगी तो सिर्फ H तो कुछ होता नहीं है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 होता है, तो यहाँ H2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ एक H था, दो H कहाँ से आ गए, उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, दो H हैं तो, और ये दो Cl हैं तो दो Cl हो गए, Zn है तो Zn। बच्चे अगर किसी को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस का भी एक लेक्चर मैंने पूरा बनाया है, जिसमें आपको बैलेंसिंग करना सिखाया है, प्रैक्टिस करवाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, वो जाके देखिए ये। और तीसरा एक लेक्चर और बता रहा हूँ, तीन लेक्चर जनरल लेक्चर जो आपको करने चाहिए, पहला आपका रिएक्टिविटी सीरीज, दूसरा बैलेंसिंग, और तीसरा हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, तीनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर करिएगा। फिलहाल सोडियम ऐसी हाइड्रोजन को हटा देगी, बन जाएगा सोडियम, सोडियम जब सल्फेट के साथ जाता है तो सोडियम सल्फेट बनता है, जिसका फॉर्मूला Na2SO4 होता है, हाइड्रोजन अलग होगा, दो Na है तो दो Na। अब बोले सर सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 कहाँ से हो गया, सर Na3SO4 लिख दो, या हमने तो NaSO4 लिखा था, तो फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं उसी के लिए मैंने बोला लेक्चर अटेंड करिए। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला MgCl2, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, बैलेंस में यहाँ 2 आ जाएगा। अब कॉपर क्या करेंगे, कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, कॉपर इज नॉट एन एक्टिव मेटल, कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, ये कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। कौन हटा पाएगा कौन नहीं, और रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है, जाइए और देख के आइए, ठीक है। अब ये तो बात थी हमारी HCl और H2SO4 के साथ कैसे रिएक्शन होता है। एक बात और बेटा, बैलेंसिंग अगर आप नहीं करोगे क्वेश्चंस की तो आपके नंबर कटेंगे, बैलेंसिंग के अलग से मार्क्स हैं, इसलिए बैलेंस करना मत भूलना इक्वेशन लिखने के बाद, वरना सारा का लिखा सब धरा रह जाएगा। फिलहाल बात आई रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, तीन तरीके के एसिड हैं, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक। नाइट्रिक एसिड हमने अलग से इसलिए लिखा है बच्चे, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे जिंक ने HCl में से H को हटाया, वैसे ही जिंक जो है HNO3 में से H को हटा सकता था, जिंक H को हटाता, जिंक नाइट्रेट बनना चाहिए था, हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए थी, लेकिन बच्चे नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है हाइड्रोजन गैस,
क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है बेटा, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी एक खास बात होती है जो बाकी दोनों से अलग है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन बनती है, हाइड्रोजन तो बनती है, जिंक हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है वैसे ही ये नाइट्रिक एसिड वहाँ पे प्रेजेंट, उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके H2 को ऑक्सीडाइज करके H2O बना देता है। इसलिए इन केसेस में तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जबकि नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक एसिड के केस में सिर्फ और सिर्फ तब निकल सकती है जब ये नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट हो, डाइल्यूट नहीं बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, तभी इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कम होता है, तब ही सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनती है, वो भी हर मेटल से नहीं, सिर्फ मैंगनीज और मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम से ही नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट वाला क्या करता है, मैंगनीज यहाँ से H को हटा के मैंगनीज नाइट्रेट बनाता है, मैंगनीज नाइट्रेट MnNO3 होल ट्वाइस है ना, और हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम, मैंगनीज नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस सिर्फ तब बनेगी नीचे वाले केसेस में जब ये नाइट्रिक एसिड बहुत बहुत डाइल्यूट है, और सिर्फ वो भी दो मेटल से, बैलेंस नहीं है, NO3 दो हैं, H2 हैं, तो NO3 और H दोनों यहाँ पे 2-2 कर दीजिए, ये बैलेंस हो गई। ठीक है प्यारे, तो नोट कर लीजिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये पूछे जा सकते हैं कौन से दो मेटल्स ऐसे हैं जो सिर्फ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके ही हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो ये नोट कर लीजिए और नीचे लिख भी लीजिए जो मैंने अभी बोला। ठीक है प्यारे, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी विद नाइट्रिक एसिड। अभी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात आई कि रिएक्शन विद बेसिस और बेसिक ऑक्साइड। बेसिस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, जिसमें OH लगा होता है उसे हम बेसिस बोलते हैं। जैसे अगर एसिड का रिएक्शन, कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl ले लीजिए, चाहे H2SO4 ले लीजिए, इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ जैसे NaOH के साथ ले लीजिए, या किसी बेसिक ऑक्साइड के साथ कॉपर ऑक्साइड। बेटा बेसिक ऑक्साइड किसकी होती है, ये हमने पहले बताया आपको पिछले लेक्चर में, मेटल की ऑक्साइड जनरली बेसिक होती हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं। क्यों वो समझाया है, फिलहाल मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है, तो मेटल की ऑक्साइड यहाँ ले ली है या बेस ले लिया है। क्या होगा प्यारे, ये एसिड है, ठीक है ना, ये बेस है, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ये आपने लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, है ना। क्या कौन सा सॉल्ट बने, एन ए सॉल्ट क्या बनेगा वो बताना बहुत आसान है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सचेंज कर देना है आयंस को, प्लस माइनस, ये Na इस माइनस के साथ गया तो ये गया NaCl, और H OH के साथ जाएगा तो बनाएगा H2O। इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वही यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन पे 1+ का चार्ज होता है, SO4 पे 2-, Cu पे 2+, इस पे 2-, तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, और O वाला H के साथ जाएगा, H2O बनेगा। बैलेंस करें तो ये पहले से ही बैलेंस है, ऊपर वाली थी बैलेंस है, ठीक है। सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, रिएक्शन हो गया एसिड विद बेस या बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक दो अपने आप एग्जांपल्स और लिख दीजिएगा, यहाँ पे NaOH की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की जगह पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड के साथ, देखिए कि यहाँ क्या बन रहा है, ठीक है। पॉज मारिए, नोट करिए, फिर बढ़िएगा आगे। आगे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है आपकी किसके साथ, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं प्यारे, जिसमें CO3 लगा हो उसे हम कार्बोनेट बोलते हैं, और जिसमें HCO3 लगा हो उसे बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, है ना, ऐसी बाइकार्बोनेट हो गए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इनके फॉर्मूले क्या होंगे देखते हैं। फिलहाल हम रिएक्शन लिख रहे हैं एसिड का, लेट से चलो HCl ले लेते हैं, HCl का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ, कौन सा कार्बोनेट, Na2CO3,
ठीक है, और बाइकार्बोनेट ले लेते हैं NaHCO3 कैल्शियम, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही बात है। HCl भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो। अगर ये HCl है तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इन जनरल सुन लो, प्रोडक्ट्स बताना बहुत आसान है 99% ऑफ द रिएक्शंस में। अगर आप ध्यान से सुनते जाओ तो प्रोडक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप बनाने लगोगे आप। कैसे देखो प्यारे, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ऑब्वियसली Na जो प्लस होता है ये माइनस के साथ जाएगा, तो NaCl तो बनाएगा ही बनाएगा। और ध्यान रखो, जितने भी रिएक्शंस में, रिएक्टेंट्स में कार्बोनेट होता है उसमें एक गैस तो 99% बनती ही बनती है, CO3 से कौन सी गैस, CO2 गैस बनती ही बनती है। और CO2 जब इसमें से निकलेगी, एक O बचेगा, वो OH के साथ जाके H2O बनाएगा। वही काम यहाँ पे होगा, HCl की जगह चलो अगर हम H2SO4 भी ले लें तो Na जो है इस पे H प्लस, इस पे 2 माइनस, Na जो है माइनस के साथ जाएगा, Na प्लस होता है माइनस के साथ, सोडियम सल्फेट बनाएगा, फॉर्मूला होगा Na2SO4। और कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगी ही बनेगी, और यहाँ से O और H और H मिलके H2O बनाएंगे। रिएक्शन बैलेंस नहीं है दोनों, पॉज करके लिखने के बाद आप बैलेंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए, एक और लिख लीजिएगा CaCO3 के साथ, और HCl का CaHCO3 होल ट्वाइस के साथ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ प्रोडक्ट्स लिखिए कि क्या बनेंगे। ठीक है प्यारे, चलिए ये तो कार्बोनेट के बाइकार्बोनेट के साथ हो गए, देखते हैं इसका अगला रिएक्शन किसके साथ करना है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। अभी सल्फाइड्स बाइसल्फाइड्स क्या होते हैं, जैसे जिसमें CO3 लगा हो उसे कार्बोनेट बोलते हैं, HCO3 को बाइकार्बोनेट, ऐसे ही जहां SO3 लगा हो उसे सल्फाइड, जहां HSO3 लगा हो उसे बाइसल्फाइड। जैसे SO4 जहां लगा हो उसे सल्फेट, HSO4 जहां लगा हो बाइसल्फेट, SO4 वाला सल्फेट, SO3 वाला सल्फाइट, सल्फाइट और सिर्फ S वाला सल्फाइड। एक बार लिख लो, नोट कर लो, SO4 को सल्फेट है ना, SO3 को सल्फाइट, और जहां पे सिर्फ S लगा हो वो सल्फाइड, डंडा वाला डा या टमाटर वाला टा, और वो तो 8 है ही है। तो देखते हैं सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन। दो एसिड्स हम लोग ले लेते हैं, एक कैल्शियम, एक हम लेते हैं कैल्शियम सल्फाइड ले लेते हैं CaSO3, और दूसरा ले लेते हैं सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। फॉर्मूला इसका NaHSO3 होता है कैल्शियम सल्फाइड का CaSO3, ठीक है। नाम लिख लीजिए, कैल्शियम सल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई भी एसिड ले सकते हो, चलो हम HCl ले ले रहे हैं। अब प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, आपने पहली बार इक्वेशन लिख रहे होगे, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो बिना याद करे कैसे लिखोगे। जैसे CO3 कार्बोनेट होता था तो उसमें कौन सी गैस बनती थी, CO2, ऐसे ही जहां पर भी SO3 या HSO3 होगा वहां कौन सी गैस बनेगी, SO2 गैस बनेगी, SO2। और बाकी कैल्शियम किसके साथ जाएगा, ऑब्वियसली H के साथ तो जाएगा नहीं, Cl के साथ जाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे ही Ca कैल्शियम क्लोराइड, SO2 बन गई, O बचा यहां से, और H मिलके H2O। ऐसे ही इसमें देखिए Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला ये। HSO3 से कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और SO2 निकल जाएगी, O और H और H मिलके H2O बना लेंगे। तो नीचे वाली इक्वेशन तो बैलेंस है, ऊपर वाली बैलेंस नहीं है, दो Cl है, यहाँ दो Cl कर दीजिए, अब ये बैलेंस हो गई है। ठीक है प्यारे, नोट कर लीजिए, समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ पे और भी दूसरे, यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन, अब आप H2SO4 से करके देखो इन दोनों की कि क्या बनेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, इक्वेशंस रटनी नहीं है, दिमाग में बसानी है, तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो चलिए, ये था आपका रिएक्शन विद सल्फाइड्स
एंड बाइसल्फाइड्स। अब रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद सल्फाइड्स, सल्फाइड्स के साथ कैसे रिएक्शन होगा। देखिए सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन, यहाँ पे हम सल्फाइड में रिएक्शन, सल्फाइड कौन सी चीज लेंगे, सल्फाइड जिसमें क्या लगा हो, एस लगा हो। दो सल्फाइड ले लेते हैं, जिंक सल्फाइड जिसका फॉर्मूला ZnS, आयरन सल्फाइड जिसका फॉर्मूला FeS। फॉर्मूला कैसे लिख दे रहे हो सर, Zn2S क्यों नहीं हो गया, Fe2S क्यों नहीं हो गया। प्यारे फॉर्मूला कैसे लिखना है उसके लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बार बार बोल रहा हूँ, वो अटेंड करिए, क्योंकि अगर मैं हर बार अलग अलग बार बार फॉर्मूले बताऊंगा ऐसे लिखा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। फॉर्मूले आपको आना चाहिए कि इसका क्या, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है हाउ टू राइट फॉर्मूले ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, वो एक बार देख लीजिए, फिर चुटकियों का खेल हो जाएगा फॉर्मूले लिखना। ठीक है, इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम एसिड, एसिड ले रहे हैं HCl। ठीक है, अब देखिए आपने आज तक नहीं पढ़ी क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसानी से एक्सचेंज करके बना सकते हो। Zn किसके साथ जाएगा, H के साथ, तो Zn पे 2 प्लस 2 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, ऑब्वियसली प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, ZnCl के साथ जाके जिंक क्लोराइड बनाएगा ZnCl2, और H जो है S के साथ जाके H2S बनाएगा, जो एक गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जिसकी स्मेल रॉटन एग जैसी होती है। इसकी एक खास बात है, हाइड्रोजन सल्फाइड हैज गॉट रॉटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। ऐसे ही आयरन किसके साथ जाएगा, आयरन क्लोरीन के साथ जाएगा, और सल्फर जो है यहाँ पे एच के साथ जाएगा, तो आयरन क्लोराइड बनेगा FeCl2, और एच एस के साथ जाके H2S। फिर से वही बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे, ये रिएक्शंस हो गई आपकी सल्फाइड और सल्फाइड्स के साथ। नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम बढ़ते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टी पे। ये सब प्रॉपर्टी चल रही कि एसिड इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या, इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या, आप ये दोनों फिर से लिखना और इन दोनों का रिएक्शन लिखना H2SO4 और H2SO4 के साथ क्या बनेगा। सिंपल सा हिंट दे दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे ZnS होगा तो ZN इसके साथ जाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा, नीचे देखना क्या बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले रिएक्शन पे। बात आई अब की बार रिएक्शन ऑफ नाइट्रेट्स विद एसिड्स। नाइट्रेट्स क्या होते हैं, जिसमें सल्फेट SO4, सल्फाइड SO3, सल्फाइड S, ऐसी नाइट्रेट जिसमें NO3 लगाओ, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, PbNO3, ZnNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, NO3, NaNO3। तो ये जो बेटा जनरली नोट कर लीजिए जरा कि इन नाइट्रेट्स का रिएक्शन जब हम एसिड से पढ़ेंगे तो नाइट्रेट्स का रिएक्शन एसिड दो तरीके के पढ़ेंगे, डाइल्यूट से अलग और कंसंट्रेटेड से अलग, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। नाइट्रेट्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, नोट करिए, नाइट्रेट्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। हाँ, लेकिन एक नाइट्रेट है जो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स बनाता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है, कौन सा नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट जो होता है वो HCl और H2SO4 डाइल्यूट की बात कर रहे हैं हम, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है और कोई नाइट्रेट नहीं करता, लेड नाइट्रेट कर लेता है और इससे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। अब ये रिएक्शन आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, लेकिन प्रोडक्ट बताना बहुत आसान है, सिंपली एक्सचेंज कर दीजिए आयंस को, एक्सचेंज कर दीजिए आयंस को, पीवी जो है सीएल के साथ ले जाइए, एच NO3 के साथ ले जाइए, ये बन जाएगा आपका PbCl2, है ना, Pb जाएगा Cl2 के साथ और H जाएगा HNO3 के साथ, तो बन जाएगा HNO3, नाइट्रिक एसिड बन गया। जो PbCl2 होता है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बेटा ये जो रिएक्शंस मैं बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से एक्सचेंज करने की या बैलेंसिंग की, एक मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एडवाइस है, एक चैप्टर है CBSE में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसका लिंक मैं नीचे दूंगा प्लेलिस्ट में, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए भी, क्योंकि उसमें ये सब जनरल चीज़ें बताई हैं कि कैसे एक्सचेंज करें, कैसे प्रोडक्ट्स बनाएं, कैसे बैलेंस करें,
वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। वो आप उसका एक एक लेक्चर ज़रूर अटेंड करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दूंगा। फिलहाल पीवी इसके साथ जाएगा, तो ऑब्वियसली पीवी पे 2+, इस पे 1-, इस पे 1+, इस पे 2-, प्लस वाला माइनस के साथ चला जाएगा। लेड सल्फेट बनेगा फॉर्मूला PbSO4, और एच जो है NO3 के साथ, एच NO3 बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे। शॉर्ट में एक जगह मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप देखिएगा। तो ये भी वाइट PPT दोनों जगह बनता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। सिर्फ लेड नाइट्रेट डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें कंसेंट्रेटेड एसिड्स की, तो कंसेंट्रेटेड एसिड चलिए ले लेते हैं हम, H2SO4 ले लिया, इसको अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हैं तो ये थोड़ा सा अलग रिएक्शन होगा, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन पढ़ रहे हैं प्यारे, एक आपका अलग से चैप्टर है सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें डिटेलिंग भी करेंगे, ये रिएक्शन फिर से पढ़ेंगे। इससे रिएक्ट करके क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या रखोगे। जनरली आप देखते हैं कि जो मैं बताता हूँ सिर्फ एक्सचेंज करके लिख दो, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये 2- है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ ले जाओ तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा, जिसका फॉर्मूला K2SO4 और HNO3 के साथ चला जाएगा, HNO3 बन जाएगा। लेकिन ये तब होगा सिर्फ जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस होगा, तब होगा ये। अगर टेम्परेचर लेस देन 200 रख दिया तो प्यारे सिर्फ डिफरेंस इतना होगा, यहाँ पोटेशियम सल्फेट की बजाय पोटेशियम बाईसल्फेट बनेगा, बाकी प्रोडक्ट वही होंगे, और ये आपको याद रखना होगा। इसमें समझाने वाली बात अभी नहीं है कि लेस देन 200 पे बाईसल्फेट, ग्रेटर देन 200 पे पोटेशियम सल्फेट पूरा बनेगा, जो हार्ड होता है, स्टिकी होता है, जिस कंटेनर में टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होता है इतना स्टिकी होता है कि ये उससे चिपक जाता है जाके, जिसको छुटाना भी बहुत मुश्किल होता है, वो चिपका ही उसमें रह जाता है, टेस्ट ट्यूब बेकार हो जाती है फिलहाल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए प्यारे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स की, ठीक है। लास्ट बात आ रही है प्यारे बच्चे आपकी, जनरल यूजेज ऑफ एसिड्स। ये आज का लास्ट पार्ट है कि एसिड्स के क्या क्या यूजेज हैं। बेटा इसको बता रहा हूँ, आपको याद ही करना है। क्या है, सबसे पहले बात करें हम बोरिक एसिड। मैंने आपको बताया था आई वॉश में यूज़ किया जाता है, जैसे लेंस वगैरह आपने देखे होंगे कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो वो लेंस वॉश करने के लिए एक बॉटल आती है, लिक्विड आता है, उसमें बोरिक एसिड होता है ना। बोरिक एसिड यूज़ फॉर आई वॉश एज वेल एज एंटीसेप्टिक, चोट वगैरह लग जाए तो वो लिक्विड आप चोट पे भी लगा सकते हैं। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में होता है, लेकिन इसका यूज़ क्या है, फूड प्रिजर्वेशन के काम में आता है, जैसे अचार वगैरह डाल रहे हैं ना, उसमें सिट्रिक एसिड डाल दीजिए, काफ़ी दिनों तक नहीं सड़ेगा, है ना, फूड प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करने में काम में आता है, विटामिन सी प्रिपरेशन में काम में आता है। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, टोमेटोज में होता है, ठीक है, इसको किस काम में ला सकते हैं, इंक स्टेन रिमूवर, कपड़ों पर इंक लग जाए ऑक्सैलिक एसिड में डाल दो, उसमें घुल जाएगा वो इंक और उसमें छूट जाएगी, ठीक है। कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ होता है, H2CO3 फ्लेवर करने के काम में आता है ड्रिंक्स को। टार्टरिक एसिड मैंने बताया था ग्रेप्स में होता है, टैमरिंड में होता है ना, किस काम में आता है, इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आगे हम किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बेकिंग पाउडर डाला जाता है केक्स वगैरह में, उसको फुलाने के लिए पकौड़ों वगैरह में डाला जाता है ताकि फ्लफी हो जाए, अच्छा बन जाए, है ना, उसमें बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं उसे थोड़ा सा फुलाने के लिए, उसमें टार्टरिक एसिड डाला जाता है साथ में, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड विनेगर में यूज़ होता है, चाइनीज़ फूड वगैरह में डालते हैं, टेबल विनेगर कई और कुकिंग में यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लीनिंग ऑफ मेटल आइटम्स, जैसे मेटल के आपके पास शो पीसेज हैं, उसमें करोजन हो गया है, जंग लग गई है, या ऊपर से करोड हो गए हैं दूसरे मेटल्स, तो आप क्या करिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए कपड़े में और उस मेटल को रगड़ेंगे उससे, तो उसके ऊपर जो भी ऑक्साइड की लेयर जम गई हैं वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से वो मेटल का जो आर्टिकल है, शो पीस है, वो ऊपर से
साफ हो जाता है उसके ऊपर की ऑक्साइड लेयर हटने की वजह से। ठीक है, बेंजोइक एसिड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मेकिंग परफ्यूम्स, मेडिसिन, एक्सप्लोजिव आदि करना है। अचार की बात मैंने करी थी, अचार में जनरली बेंजोइक एसिड डाला जाता है उसको प्रिजर्व रखने के लिए। नाइट्रिक एसिड, सॉरी गलत बोल दिया, बेंजोइक एसिड परफ्यूम्स मेडिसिन में, जबकि नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव में धमाके करने के लिए काम में आता है। और लास्ट फॉस्फोरिक एसिड इज यूज इन फर्टिलाइजर्स, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आता है। सारी चीज़ें नोट कर लीजिए कॉपी में, नोट्स ज़रूर बनाते जाइए प्यारे। और आ रहा है आपका आज टॉपिक ख़त्म होने के बाद आज का क्विज का क्वेश्चन। एक करना क्या है इसको, आपको पता है ना क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है और झट से आपको क्वेश्चन देख के यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन बाई टाइपिंग द योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड आई हैव टू सी कितने बच्चे इसका सही सही आंसर कर पाते हैं। क्या है आज का क्विज का क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं नेम अ नॉन वोलेटाइल एसिड, एक एसिड बताइए जो नॉन वोलेटाइल होता है। इसी लेक्चर में मैंने बताया है आपको, ध्यान है तो जल्दी से टाइप करके बताइए, नहीं तो पीछे लेक्चर में जाके देखिए क्या बताया था और फिर टाइप करके मुझे बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। इसके आगे बेसिस स्टार्ट करेंगे, ये पूरा पार्ट मैंने आपको एसिड्स का पढ़ा दिया है। आपका काम है आपकी बुक्स में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आज ही ये नोट्स बनाने के बाद वो सारे क्वेश्चंस करिए, प्रॉब्लम आए मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। फिलहाल इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिस वाला पार्ट। जब तक के लिए प्यारे मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।